डिमांड सिर्फ एक ही है, जो भी नीलेश मुखिया के अपराधी हैं, जो हम सब जानते हैं, अब धप्पू पप्पू और गोरखनाथ, हाथ उठाकर उनको बोल रहे हैं कि अगर उनमें हिम्मत है, अपनी वर्दी का अस्तित्व दिखाएं और इन दरिंदों को पकड़े, और आजीवन कारावास तो उनको पहले से भी था, उसके बावजूद पता नहीं कैसे उनको बेल मिल जाता है और फिर भी उन्होंने इतनी निर्ममता से उनकी हत्या, इससे कम में हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। जब तक वो लोग नहीं पकड़ाता है, हम लोग डेली रोड पर जाना रहेगा, जो करना बनेगा हम लोग करेंगे, लेकिन बगैर फांसी के हमारे दिल को ठंडक नहीं। नमस्कार, स्वागत, मैं हूँ मुस्कान और आज हम हैं नीलेश जी की बेटी है, भतीजी है और बहन है। आइए जानते हैं उनकी क्या राय। आपको बहुत ज़्यादा देखा गया है हर जगह, आप बहुत गुस्से में दिखती हैं, क्या डिमांड है आपका? डिमांड सिर्फ एक ही है, जो भी नीलेश मुखिया के अपराधी हैं, जो हम सब जानते हैं, अब धप्पू पप्पू और गोरख राय और भी जो संदिग्ध जिनका भी पता नहीं चला है, प्रशासन से यही अब हम लोग हाथ फैला कर नहीं, अपना हाथ उठाकर उनको बोल रहे हैं कि अगर उनमें हिम्मत है, अगर वो लोग ईमानदार है, अपनी वर्दी का अस्तित्व दिखाएं और इन दरिंदों को पकड़े, और आजीवन कारावास तो उनको पहले से भी था, उसके बावजूद पता नहीं कैसे उनको बेल मिल जाता है और फिर भी उन्होंने इतनी निर्ममता से उनकी हत्या करवाई, अब हम लोग आजीवन कारावास नहीं, फांसी का डिमांड कर रहे हैं, इससे कम में हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। जब तक वो लोग नहीं पकड़ाता है, हम लोग डेली रोड पे जाना रहेगा, जो करना बनेगा हम लोग करेंगे, लेकिन बगैर फांसी के हमारे दिल को ठंडक नहीं मिलेगा। पत्थरबाजी जो उनके घर पर हुआ था, उस पर FIR हुआ है, उसमें 5 लोग आपके घर के बताए जा रहे हैं, उस पर क्या कहिए? उस पर बस यही कहना है, जैसे कि आपने पहले भी देखा है रजनी देवी का वीडियो, पुलिस ने साफ कॉन्फ्रेंस किया है और खुद बोला है कि शूटर ने कबूल किया है कि धप्पू पप्पू और गोरख राय का इसमें हाथ है, तब भी उनकी पत्नी रजनी देवी ये बोलती है कि वो लोग निर्दोष है और वो लोग के हाथ में तो एक ब्लेड भी नहीं रहता है। तो आप सब लोग, पूरी जनता, पूरा बिहार देख रहा है कि वो कितनी बड़ी झूठी है, वो बहुत ज़्यादा झूठ बोल रही है, बस इसलिए क्योंकि उसे लग रहा है कि वो अब सबको अच्छा दिखाएगी, अपने घर वालों को, और वो बच जाएगी, पर इस बार नहीं होगा। ये बिल्कुल केस को डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ये लोग साजिश करता है, इनको पता है कि ये लोग फंस चुका है, अब कोई इनके पास उपाय नहीं है, इसलिए ये लोग केस को डाइवर्ट करना चाहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको हम लोग खारिज करते हैं, और बहुत पहले भी वो लोग देख चुके हैं, पैसे की जनता पीछे बिठाते, जिनका एक मुंह भी नहीं खुलता है, जनता तो उनके पीछे बैठ के अपना मुंह छुपाती है, तो वो लोग बिल्कुल केस को डाइवर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं, हम लोग इसको खारिज करते हैं बस। आप उनकी बहन है, रक्षाबंधन भी आ रहा है, और आप अपने भाई को खोई हैं, भाई को खोना आपको ही पता है, आप जानती हैं, आप फील करती हैं, क्या कहिएगा उनके लिए? उनके लिए यही कहो कि मेरा भाई तो अब चला गया, वापस तो आएगा नहीं, वो तीनों को फांसी होनी चाहिए, पप्पू धप्पू और गोरख राय को, क्योंकि वो लोग ना बचपन से ही अपराधी प्रवृत्ति का है, वो बचपन से ही, हम लोग बचपन से बड़े हो गए हैं उन लोग का खाली अपराध देखते देखते, वो थी अपने ये कुर्जी एरिया में सोनार को लूटा, वो एक मुस्लिम जो टेंट वाले व्यवसायी करते थे उसको मारा, सारा हम लोग के आँख के सामने हुआ, अपने बड़े भाई को जहर पिलाया, बड़े भाई को अपने हाथ से धप्पू और पप्पू राय, अपने बड़े भाई को, अपने बड़े भाई को, वो मतलब दारू पी कर कुछ भी पकता था कि हमने ये किया तो वो मेरा धन हड़प लिया, ये तो कि इसको जहर पिला दो, क्योंकि उनको डर था कि जो उनका बड़ा भाई है वो शराब के नशे में उनका सारा पोल खोल देता है, उस वक्त उन्होंने कहीं से बहुत सारा गहना लूट कर लाया था कहीं से, और उन्हें शक था कि उन्हें ये डर था कि उनका बड़ा भाई कहीं शराब के नशे में उनका पोल ना खोल दे, उसकी माँ के सामने उन्होंने सब ने मिलकर, एक ने मुँह दबाया और दूसरे ने उसको जहर पिलाया, उसकी माँ के सामने वो तड़प के मरा, ऐसी माँ पर धिक्कार है, औरत जात का लोग नाम बदनाम करें, रजनी देवी जैसी घटिया औरत मुझे बोलने में कोई डर नहीं है, औरत के नाम पे कलंक है, ये लोग अपने पति और अपने बेटे को अपने आंख के सामने मरते हुए उसकी मां देखी है। और मैं सरकार से ये बोलना चाहूंगी, नीतीश कुमार जी, आप कहते हैं कि आइए हमारे बिहार में, क्या आपको लगता है ऐसे बिहार में कोई आना चाहता है? हम लोग खुद चाहते कि यहां से निकल जाए, क्योंकि यहां एक जन, ना बच्चा, ना महिला, ना बूढ़ा, कोई सुरक्षित नहीं है, आए दिन मर्डर, इसका हत्या, उसका हत्या, कोई पकड़ा नहीं जा रहा। अब हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन का चौकी नहीं, अपराधी चौकी डालना चाहिए, क्योंकि अब तो अपराध अब पुलिस से ज्यादा बढ़ गया और बलवान होते जा रहा है, और क्रिमिनल खुद नहीं, पुलिस प्रशासन बनाती है, क्योंकि उसमें इतना हिम्मत नहीं है कि वो लोग पकड़ के लाए उनको, और वो लोग बार बार बेल लेकर ये दरिंदगी दिखाते जा रहा है। अब हम लोग शांति से नहीं बैठ सकते, हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, प्रशासन अब कुछ करेगी, अब कुछ करेगी, अब पानी सर से ऊपर हो गया है, अब हम लोग फांसी चाहते हैं जल्द से जल्द, अब बिल्कुल हम लोग समय नहीं दे सकते सरकार को। उनकी बेटी त्रिशा भी यहीं पर,
बाबू ये बताओ कि अभी चिराग आए थे जी, इतना बोले हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि अब बिहार सरकार से बोलेंगे और केंद्र सरकार से बोलेंगे, कितना उम्मीद है तुमको? उम्मीद तो चिराग पासवान पे बहुत है कि उन्होंने जैसे बोला है होगा, एसएसपी पे भार होगा, पुलिस पे प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। देखते हैं आज वो गए हैं तो करते हैं या नहीं, कितना दिन लेते हैं, 24 घंटे का समय या एक दिन लेते हैं, देखते हैं वो कितना काम। जो हम लोग आंदोलन सुन रहे हैं कि कल त्रिशा भी बोल रही थी कि 24 घंटे के अंदर नहीं हुआ तो हम जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें पूरी सच्चाई है। जब से ये घटना हुआ है पुलिस 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 5 दिन, 7 दिन कर करके 25 दिन से ज़्यादा हो गया है। अब हम लोग कब तक हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे? अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब नीलेश मुखिया ने अपना दम तोड़ दिया है, पर हम सब ने उनको वादा किया है कि उनका इंसाफ हम लोग लेकर रहेंगे, उनके बच्चों को और उनके पत्नी को इंसाफ दिला कर रहेंगे। इस बार हम लोग हार नहीं मान सकते। अब 5 दिन का समय उन्होंने मांगा था, कल 5 दिन होने जा रहा है, परसों हम लोग आंदोलन करेंगे और जब तक फांसी नहीं मिलता है, वो लोग पकड़ाता नहीं है, हम लोग करते रहेंगे, रोज करेंगे, हमें कोई डर नहीं है, कोई हमें रोक नहीं सकता है। अब तुम भी आओगे आंदोलन में? जी। तुमको ये कोई सिखाया है बोलने के लिए, तुम खुद बोल? नहीं, ये सिखाया नहीं, खुद से बोल। तुमको खुद से आ रहा है कि हमको करना है? हाँ, पिता के लिए। हाँ जी, आप जैसा इनसे पूछ रहे हैं, इनको सिखाया गया है? सिखाया उनको जाता है जो रजनी देवी के पीछे बैठते हैं, अपना मुंह छुपाते हैं और मुंह बंद करके, उन्हें तो कुछ पता है, उन्हें खुद में पता होता है कि हम लोग गलत इंसान के साथ, वो अपना ज़बान कैसे खोलेंगे। वो लोग आज तक पैसा खिलाकर जनता को इकट्ठा करता है, और जो नीलेश मुखिया के समर्थक जो उस दिन भी रोड पर मेरा साथ दे रहे थे, मेरे परिवार का साथ दे रहे थे, उनके आँख से आंसू बह रहा था, इसलिए नहीं क्योंकि हमने उनको पैसा दिया था। वो लोग जानते हैं कि नीलेश मुखिया इंसान नहीं, भगवान थे उनके लिए। वो मतलब जब तक वो जिंदा थे, वो हर दिन जो जब बुलाए, जो मदद उनसे हो पाए, वो सब करते थे अपनी जान की चिंता किए बगैर। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसे खिलाकर वो लोग जो गलत हैं, वो लोग पैसे खिलाकर अपने पीछे भीड़ जमा करते हैं। हमें भीड़ जमा करने के लिए सबके सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, खुद वो लोग आ रहे हैं। और सब कोई चाहता है, एक एक जनता, एक एक सदस्य चाहता है परिवार का, कि अब उन लोग को फांसी मिलनी चाहिए, वरना जंगल राज कभी ख़त्म नहीं होगा, कुर्जी का नामो निशान वो लोग ख़त्म कर देगा। जो पत्थरबाजी हुआ है अभी रिसेंट में, उसमें रजनी देवी का कहना है कि घर में महिलाएं थीं, उनकी सास है, उनकी बेटी है, और ये जो हरकत है, ये बहुत गलत हरकत है। मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने बोला, हमने भी सुना है कि पत्थरबाजी हुआ, पर हमने ये भी सुना है कि उनके तो दरवाजे पे ताला लगा था, तो रजनी देवी ये कैसे दावा कर सकती कि वो घर में थी? जब आपका घर बाहर से बंद है, जो हमने सुना है, तो फिर वो कैसे झूठ बोल सकती है कि वो लोग घर में थी? और वो लोग घर में थी तो वो लोग दिखती क्यों नहीं आज तक? उन्होंने तो खुद बोला था कि मेरे पति तो यहीं पे रहते, वो चल नहीं पाते, उन तो वो तो बीमार है, तो कहाँ है आपके पति? पप्पू राय ने खुद बोला था कि अगर वो अगर उनका नाम सामने आता है, उनको फांसी दे दी जाए। हम सब तैयार है, पप्पू राय आइए, हम सब आप तीनों को फांसी देना चाहते हैं, और आप तीनों का खात्मा आप लोग खुद अपने लिए कब्र खोदें। अगर आपको लग रहा है कि आपने नीलेश मुखिया को ख़त्म कर दिया है, आपने उनको ख़त्म नहीं, उनको अमर किया है, अमर थे वो, अमर हो गए हैं, और आपका ही हाथ है उनको अमर करने में। तो ये थी घर के परिवार की लड़कियां, थी भतीजी, बहन, बेटी, और अब ये खुद आक्रोशित है, और इनका ये अब कहना है कि आंदोलन होगा जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, और ये रिक्वेस्ट कर रही हैं सबसे कि अब जो भी उनके समर्थक हैं नीलेश जी के, वो भी इनका साथ दें और रोड पे आएं और इनका मार्च में हेल्प करें। तब तक